नमस्कार दोस्तों, निशूस कास्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मुझे मेरे फ्रेंड्स, सब्सक्राइबर्स और नज़दीकी लोग जो है वो काफ़ी बार मुझे पूछा करते थे कि यार ये निशांत, ये असली या नकली शराब कैसे पहचाने हम, असली बॉटल है या नकली बॉटल है। कुछ तो तरीका होगा, कुछ तो उसमें ये रहेगा पॉइंट कि जिसकी वजह से हम पहचान सकेंगे। मैंने सोचा कि क्यों ना इसी के ऊपर एक एपिसोड बनाया जाए। मैं तैयारी में लग गया, काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी ढूंढांड की, तब मुझे पता चला कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द जेन्युइन बॉटल ऑफ लिकर। लिकर का बॉटल ओरिजिनल है या नहीं, ये ढूंढना काफ़ी मुश्किल काम है। फिर भी मैंने ऐसे कुछ पॉइंट्स निकाले जिसकी वजह से एटलीस्ट हम लोग नज़दीक जा सकते हैं कि वेदर ये बॉटल असली है या नकली। चलो तो देखते हैं कुछ पॉइंट्स। मेरे बहुत से दोस्त हैं, वो लोग मुझे कहा करते थे, इवन मैंने भी ये ट्राई किया कि अगर अपने पास बॉटल है तो बॉटल अगर हिला के देखी तो उसमें जो झाग आता है उससे पता चलता है कि ये लीकर जो अंदर की है वो ओरिजिनल है या फेक। अगर ओरिजिनल है तो उसका जो झाग आता है वो तुरंत निकल जाता है, 3 सेकंड में वगैरह निकल जाता है, 3-4 सेकंड में। अगर डुप्लीकेट रहेगी तो वो ज़्यादा देर तक रहता है, तो या उसमें पानी ज़्यादा रहेगा तो स्पिरिट अलग टाइप का डाला रहेगा तो वो झाग ज़्यादा देर तक रहता है। तो मैं बोला चलो आपके सामने ये एक ट्रायल ले ले, मेरे पास एक छोटी बॉटल है तो चलो इसको हिला कर देखते हैं कि इसमें कितना झाग रहता है। इतनी देर हिलाने के बाद भी ऑलमोस्ट 3 सेकंड में पूरा झाग निकल गया। देखा, दैट मीन्स दिस इज ओरिजिनल। ये एक तरीका है, लेकिन दिस इज़ नॉट अ श्योर शॉट तरीका कि हम लोग एश्योर नहीं कह सकते कि ये यस दिस इज ओरिजिनल। ऐसा है ना कि अगर आप लाइसेंस्ड शॉप में से लिकर लाइसेंस का जो शॉप में नंबर लिखा होता है या तो जिनके पास लाइसेंस है, ऐसे अगर शॉप में से आप परचेस करते हो तो देयर आर वेरी रेयर चांसेस ऑफ गेटिंग डुप्लीकेट। क्यों? तो इसके लिए ये जो लाइसेंस होल्डर शॉप्स है उनको उनके स्टॉक का पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि जब उनके पास स्टॉक आता है तो उसको कंसाइनमेंट बोलते हैं। तो कंसाइनमेंट आने के बाद उसमें कितने बक्सेस आए, कितनी बॉटल आएँ, कौन से ब्रांड्स आए, ये सब रिपोर्ट उनको रखना पड़ता है। वो आने के बाद एक्साइज की तरफ से भी इसकी छानबीन की जाती है, एक्साइज को भी ये इन्फॉर्म किया जाता है कि हमारे यहाँ इतना इतना स्टॉक आया है। और अगर इनके पास कोई एक्स्ट्रा बॉटल दिखाई दी, या तो अलग ब्रांड आया है या तो फेक बॉटल आया है, फेक बॉटल का बक्सा आया है, तो नेचुरली ये आया हुआ स्टॉक और कैलकुलेटेड स्टॉक, इसमें अगर एक्स्ट्रा दिखाई दी बॉटल या तो एक बॉटल भी एक्स्ट्रा दिखाई दी, एक बॉक्सा तो छोड़ो, एक बॉटल भी एक्स्ट्रा दिखाई दी, तो उनको काफ़ी हेवी फाइन भरना पड़ता है। एंड कुछ ऐसे अगर बार बार हुआ तो शॉप को सील भी लग सकता है। तो इसीलिए ये जो लाइसेंस होल्डर शॉप्स है वो कभी भी ये गलती करेंगे नहीं, करते नहीं है। तो अगर आपको परचेस करनी है तो अच्छे लाइसेंस शॉप में से ले लो, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ये तकलीफ कभी होती है जब हम लोग कहीं पिकनिक में जाते हैं या तो आउटिंग में जाते हैं, अपना स्टॉक लेके तो जाते हैं लेकिन वहाँ जाने के बाद कभी कभार ख़त्म हो जाता है, और हमको और अगर ज़्यादा स्टॉक चाहिए तो हम लोग लोकली पूछ लेते हैं किसी हाउसकीपर को या तो इसको को भी, यहाँ कहीं मिल सकती है, तो बोलते हैं हाँ साहब मिल जाएगा, थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा, मिल जाएगा, तो हम लोग उसका जुगाड़ भी कर लेते हैं। वो जाता है कहीं से स्टॉक लेके आता है। अगर ऐसे कंडीशन में देयर आर चांसेस कि वो स्टॉक कहाँ रखा है, उसने कौन सा है, और कुछ भी ब्रांड वो लेके आ सकता है और उसमें डुप्लीकेशन निकलने के चांसेस है, राइट? तो नॉर्मली ऐसे मत कीजिए। जहाँ भी आप आउटस्कर्ट्स में जाते हैं तो अपना स्टॉक जितना चाहिए उतना ले जाइए, कम पड़े तो भी चलेगा। एक्सेस स्टॉक लेके उसको ख़त्म करके ही आना है
ऐसे दिमाग में मत रखिए, नॉट नेसेसरी कि कम पड़ी इसके लिए ले आना है, तो ये एक ध्यान में रखिए। अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताता हूँ कि जिसके ज़रिए आपको एटलीस्ट पता चलेगा कि ये बॉटल ओरिजिनल है या नहीं। उसके लिए फर्स्ट एक अपने यहाँ आजकल ऐप्स आए हैं जो आप डाउनलोड मोबाइल में कर सकते हैं, और उसमें अगर बारकोड जो रहता है, ये हर एक बॉटल के ऊपर यहाँ बारकोड रहता है, तो ये बारकोड अगर नीचे नंबर है वो भी अगर डाला या तो स्कैन भी किया तो भी उसकी डिटेल्स उसमें आ जाती है। हर एक बॉटल के ऊपर एक बारकोड रहता ही है, बारकोड नंबर रहता है, तो वो आप उसके ज़रिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेदर दिस बॉटल इज़ ओरिजिनल और नो। एंड अनदर इज़, अभी कोई अच्छी बॉटल रहती है उसमें ये स्कैन रहता है, स्कैन करके कोड, जो स्कैन कोड जो रहता है, तो उसको हम स्कैन करके हम लोग उसकी पूरी डिटेल्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। स्कैन अपने मोबाइल का स्कैनर स्कैन कोड ओपन कर कीजिए, और वो अगर हमने यहाँ पे पकड़ा तो नेचुरली आपको इसकी पूरी डिटेल जानकारी मिल जाएगी, ये बॉटल कौन से कंपनी की है, क्या है उसमें, क्या क्या है, ये सब डिटेल मिल जाती है। चलो एक हम लोग आपके सामने ही इसका एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, ठीक है? आप देखिए, देखिए आपके मोबाइल में ये यहाँ पे QR स्कैनर है, तो उसको टच कीजिए तो ये ओपन हो जाएगा। जैसे ही टच हो जाएगा, और देखिए बारकोड उसने तुरंत इतने स्कैन कर लिया कि ये पॉल जॉन विस्की का पूरा डिटेल ये देखिए यहाँ पे आ गया। देखा आपने, दिस इज यस ड्रिंकिंग एज भी उसने पूछा, मैंने यस किया, लीगल एज आने के बाद ये पूरी डिटेल जानकारी विस्की के बारे में, जो भी है बॉटल के बारे में, ये पूरी आ गई यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग स्कैन करके, यहाँ पे बारकोड है, स्कैन कोड है, यहाँ पे भी है बारकोड, तो दोनों में से कुछ भी हम स्कैन करके उसको देख के कर सकते हैं। चलो तो अगले पॉइंट पे जाएंगे। तो आपने देख लिया कि कैसे ये स्कैन कोड स्कैन होता है और उसकी डिटेल्स आ जाती है। और ये तो ये जो बॉटल है, ये बॉटल के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो पूरे बॉटल के ये लेबल पे भी ये सेम स्कैनर या स्कैन कोड, यहाँ पे बार कोड डाला हुआ है। तो इसके ज़रिए भी और ये बारकोड के ज़रिए भी हम लोग वी कैन मेक आउट फाइंड आउट कि ये बॉटल ओरिजिनल है या फेक है, करेक्ट? और मैं कुछ और बातें बताता हूँ जिसके ज़रिए हमें पता चल जाएगा कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। चलो मैं एक एक करके बताता हूँ। पहले बॉटल के ऊपर के कुछ स्पेलिंग्स है उसको देख लीजिए, बराबर आपके ब्रांड का स्पेलिंग आपको ध्यान में रहना चाहिए, करेक्ट? तो उसके ज़रिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा इधर उधर वो लोग अल्फ़ाबेट्स का करते हैं और अल्फ़ाबेटिकल थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो गया तो हमको पता भी नहीं चलता है, हम दूर से देखते हैं बस ये फलाना दिखना बॉटल है और अपना ब्रांड है समझ के हम लोग ले आते हैं। एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ मैं, अगर अपने पास ब्लैक लेबल की बॉटल है तो हम लोग क्या देखते हैं, ब्लैक लेबल टेढ़ा वाला जो लेबल है, दैट इज़ ब्लैक लेबल, ओके जॉनी वॉकर। लेकिन जॉनी वॉकर का स्पेलिंग अगर आपके ध्यान में है तो आप उसको आराम से पहचान सकते हैं ये ओरिजिनल है या फेक। सेकंड, अगर पैकेजिंग के टाइम उसके ऊपर का जो लेटरिंग रहता है, अक्षर रहता है, वो एकदम शार्प होता है, इसके ऊपर भी देखिए काफ़ी शार्प लेटरिंग्स है। अगर डुप्लीकेट है तो उसको कॉपी करने में थोड़ा 19-20 हो जाता है और उसकी वजह से हमको पता चल जाता है पैकेजिंग की वजह से कि इसमें ओरिजिनलिटी है या नहीं है। थर्ड है अपना कॉस्ट, हमको नॉर्मली कॉस्ट ऑफ द बॉटल पता रहती है तो उसके ज़रिए भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि बॉटल की कॉस्ट क्या है। और अगर जो स्टेट में आप रहते हैं
वो स्टेट का भी एक सील रहता है। अभी ये मेरे पास वैलेंटाइन की बॉटल है, इसके ऊपर देखिए महाराष्ट्र एक्साइज और उसका नंबर भी है, तो इसके ज़रिए भी हमको पता चल जाता है ये सील है, दैट मीन्स द बॉटल इज ओरिजिनल। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम आराम से पहचान सकते हैं बॉटल ओरिजिनल है या नहीं। लेकिन दीज आर नॉट श्योर शॉट रेमिडीज, सो यू हैव टू बी अलर्ट। और एक मैं बात बताना चाहता हूँ, आप कितने भी एक्सपर्ट हो ड्रिंक्स में, अभी मैं भी नोजिंग टेस्टिंग वगैरह करता हूँ, लेकिन अपनी पैलेट इतनी तैयार नहीं हुई है कि हम लोग आसानी से एक घुट में पहचान सकेंगे कि यस ये ब्लेंडर स्प्राइड है, ये वैलेंटाइन है, ये पॉल जॉन की ये विस्की है, वो विस्की है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इवन इन वोडका। वोडका तो बहुत से वोडका को टेस्ट भी नहीं रहती है, तो अरोमा भी एकदम हल्का सा रहता है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि हम लोग उसको टेस्ट करके भी पहचाने। लेकिन अगर हम लोग अपनी आदत डेवलप करें अच्छी तरह, तो हम लोग इसको पहचान सकते हैं। दो विस्की के अंदर का डिफरेंस हमें आराम से पता चलता है, लेकिन उसकी आपको आदत करनी पड़ेगी। एंड अगर लोअर बजट वाली जो विस्कीज़ है उसमें डुप्लीकेशन काफ़ी हो सकता है, लेकिन अगर हायर ब्रांड्स है तो उसमें डुप्लीकेशन के चांसेस बहुत कम है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए आपको ब्रांड चेंज कीजिए, ब्रांड चेंज कीजिए। उसका रीज़न ये है कि हम लोग को अलग अलग ब्रांड, जो हायर लेवल के ब्रांड्स है उसमें डुप्लीकेशन होता है, जिसका मैक्सिमम सेल है उसका डुप्लीकेशन हो सकता है। लेकिन जो ब्रांड्स अच्छे है लेकिन बहुत कम सेल होता है, उसका टेस्ट में अच्छा है लेकिन कम सेल होता है, तो उसके लिए डुप्लीकेशन होने के चांसेस बहुत कम है। देन विस्की का कलर, वो भी आपको पहचानने में आना चाहिए। देन एक तकलीफ होती है, हम लोग अगर डुप्लीकेट ड्रिंक करते हैं तो हमें नेक्स्ट डे हैंगओवर आता है, लेकिन वो क्या, वो ऑलरेडी हमने कंज्यूम की हुई रहती है। तो इसीलिए मेरा कहना है कि मैंने जो तरीके बताए हैं उसको ज़रा सा फॉलो करके, अपनी टेस्ट डेवलप करके, आप इस डुप्लीकेट और ओरिजिनल में से फ़र्क मेकआउट कर सकते हैं। तो मुझे बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और इसका आपको कितना फ़ायदा हुआ, ये भी कमेंट्स में बताइए। लेकिन उसके लिए आपके दोस्तों को भी ये सब चीज़ बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेचुरली दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करो ये चैनल निशूस कास्ट को, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। अपना लास्ट सेंटेंस कौन सा हम लोग हमेशा बोलते हैं, ड्रिंक मॉडरेटली, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, एंड चीयर्स टू निशूस कास्ट।